अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसको तुम पर इत्माद कितना था। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी होता है। बात में वज़न पैदा करने के लिए आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं, बात का सच्चा होना ज़रूरी है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। अच्छाई फैलानी पड़ती है, बुराई खुद ब खुद फैल जाती है। हद से ज़्यादा नरम दिली भी बहुत भारी पड़ती है। इंसान जब तक अपना मोल नहीं लगवाता अनमोल कहलाता है। ये जो अपने होते हैं अपने क्यों नहीं होते? हम बदलना तो चाहते हैं मगर दूसरों को। एक दानिश्वर से पूछा कि गुस्सा क्या है, जवाब मिला कि किसी की गलती की सज़ा खुद को देना। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम होगा। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना ज़रूरी है। कुछ शिकवे ऐसे थे साहब जो खुद ही किए और खुद ही सुने। यकीन कीजिए साहब, यकीन ने ही मारा है। दस्तक का तसलसल मांगने वाले की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। कभी कभी सुकून के लिए दवा की नहीं किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ऐब अपने देखो और उसे दूर करने की फ़िक्र करो। अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और उसे अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करो। ऐ मतलब तेरा शुक्रिया, तूने जोड़ रखा है इंसानों को। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, रास्ता टेढ़ा और चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी ना किसी की कहानी में बुरे होते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा। एक से मांगो तो हज़ारों देते हैं, और सबसे महंगी चीज़ मदद। हज़ारों से मांगो तो एक देता है। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में ज़िंदगी गुजर जाती है। अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए, साजिश नहीं। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया ज़माने ने। हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो दूसरों को करते हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। जिसको तुम आम समझकर छोड़ देते हो उसे कोई ख़ास समझकर अपना लेता है। कुछ ना समझना गलत समझने से बेहतर है। खूबसूरत लोग लाजमी नहीं कि अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं।